बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना क्लास 12 का बायो का आज नंबर 16 हमने स्टार्ट किया था, तो उसका टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जॉइंट्स। कि जॉइंट्स क्या होते हैं, हम कहते हैं कि जहाँ पर हमारी बोन्स मिलती हैं, ठीक है, ऐसी प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पर दो बोन्स क्या करें, मीट करें, वो हमारे पास होते हैं जॉइंट्स। अब ये जॉइंट्स ना सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बल्कि बहुत सारी जो हमारी बॉडी में रोल है वो भी प्ले करते हैं। जैसे हमारे पास जो स्केलेटन है, हमारे स्केलेटन को होल्ड भी करके रखते हैं, इसके अलावा इसको मोबिलिटी भी देते हैं, ठीक है ना, मूवमेंट, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब जॉइंट्स को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट थ्री टाइप्स। यानी कि अगर बात करें मूवमेंट की, ठीक है, सो मूवमेंट के बेस पर हम जॉइंट्स को थ्री टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पहले होती है जी मूवेबल, इमूवेबल एंड नंबर थ्री पर स्लाइटली मूवेबल। So, ये हमारे पास क्या है, जॉइंट्स की थ्री टाइप्स है जो कि हमने बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट। यानी कुछ जॉइंट जो है वो मूवेबल होते हैं, कुछ जो है वो इमूवेबल होते हैं, कुछ जो है वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हमारे पास होते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास स्कल है, ठीक है, स्कल हमारा जो है वो मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, वो फिक्स्ड होता है। इसके अलावा हम बात करें हमारे मूवेबल जॉइंट्स की, तो वो जॉइंट जो कि मूव कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे हिप जॉइंट्स, ठीक है, हमारे शोल्डर जॉइंट्स, ठीक है, ये क्या है, मूवेबल जॉइंट्स है। इसके अलावा जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो कि हल्का फुल्का मूव कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी नी, ठीक है ना, ज्यादा मूव नहीं करती है। इसके अलावा हमारी एल्बो, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है। ये हमारे पास क्या थे, थ्री टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स थी ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट। अब हम बात करते हैं जी हमारे पास कुछ जॉइंट्स हैं जो कि जिसको हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं जी जॉइंट्स की बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेस पर हम क्या करते हैं जी जॉइंट्स को भी मजीद थ्री टाइप्स पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। नंबर वन पे हमारे पास ये होते हैं जी फिब्रस जॉइंट्स, नंबर टू पे कार्टिलेजिनस, ठीक है, और नंबर थ्री पे साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। अभी हमारे पास होता है बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर है, थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हमारे पास होते हैं। अब फिब्रस जॉइंट्स में हमारे पास फिब्रस से पता चलता है कि फाइबर जो है इसके अंदर धसे हुए होते हैं, ठीक है, इसके अंदर मौजूद होते हैं फिब्रस जॉइंट्स में, ठीक है, और मूवमेंट जो है वो ज्यादा कोई खास नहीं होती है इनके अंदर, ठीक है। और अगर बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू भी मौजूद होते हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए इनके पास कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और जैसे कि हम बात करें जी टीथ की, हमारे टीथ जो है वो क्या है जी, जॉस के साथ फिक्स्ड हुए हैं हमारे जबड़ों के साथ, तो वो किस वजह से है, फिब्रस जॉइंट्स की वजह से है। नंबर टू पे कार्टिलेजिनस, हमारे पास जॉइंट जो है इनकी मूवमेंट जो है वो कभी कभार नहीं होती है, ठीक है, कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में थोड़ी बहुत होती भी है, ठीक है, ठीक है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के अंदर हमारे पास हाइलाइन कार्टिलेज की वजह से दो बोन जो है दूसरे के साथ मिलती है, और दोनों बोन जो है दूसरे के साथ किस तरह बरकरार रहती है, इनको होल्ड करके रखती है जी फिब्रस कार्टिलेज, ठीक है। और ज्यादातर ये हमारे पास कॉक्सल बोन की जो हम बात कर देना, इस केस में हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है वो बनते हैं, ठीक है। और नंबर थ्री पे हमारे पास होते हैं जी साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स में हमारे पास जी मौजूद होता है साइनोवियल फ्लूइड।
अब ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है जी, साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन उसको रिड्यूस करता है। अब फ्रिक्शन कब पैदा होती है, जब हमारे जॉइंट, हमारी बोन जो है वो रगड़ खाती है, ठीक है, उसकी वजह से चोट भी लग सकती है, ठीक है, और कोई ना कोई हेमरेज भी हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास सिनोवियल फ्लूइड जो है सिनोवियल जॉइंट्स के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि सिनोवियल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स है जहां पर मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो वहां पर चोट लगने का खतरा ज्यादा होता है, हेमरेज का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर सिनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है उनके दरमियान की वो कम हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास जो सिनोवियल जॉइंट्स के अंदर जो भी हमारे पास बोन्स आती है वो क्या रहती है, सेफ रहती है जब भी उनकी मूवमेंट होती है। तो ये हमारे पास क्या होती है, सिनोवियल जॉइंट। इसके अलावा इसके अंदर फिब्रस कैप्सूल भी मौजूद है, और इसके अलावा सिनोवियल जॉइंट्स के इर्द गिर्द भी कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है, ठीक है, लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसने सिनोवियल जॉइंट्स को हर तरफ से सराउंड किया हुआ होता है, घेरा हुआ होता है, इनको हम नाम कहते हैं जी फिब्रस कैप्सूल का। और ये फिब्रस कैप्सूल जो है कभी कभार मॉडिफिकेशन शो करते हैं, इनके अंदर चेंजिंग्स आती हैं, मॉडिफाई होते हैं, और जब मॉडिफाई होते हैं तो लिगामेंट्स बनाते हैं, ठीक है। लिगामेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जहां पर दो बोन्स आके मिलते हैं, ठीक है, टू बोन्स क्या होती है, मीट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जब दो बोन्स मिलती है वो हमारे पास बनाते हैं लिगामेंट्स। इसके अलावा टेंडन्स भी हमारे पास होते हैं, टेंडन्स वो होते हैं जहां पर हमारे पास बोन्स एंड मसल जो है वो मीट करती है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या होते हैं, टेंडन्स। इसके अलावा सिनोवियल जॉइंट्स की हम फर्दर टाइप्स पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, कि सिनोवियल जॉइंट्स हमने बात की कि यहाँ पर मूवमेंट ज्यादा शो होती है, अब वो कौन से हमारे पास मूवमेंट्स हैं। अब सिनोवियल जॉइंट को भी हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट एंड द स्ट्रक्चर। पहले हमारे पास सिनोवियल जॉइंट के जो फर्स्ट जॉइंट की बात करते हैं तो वो है हिंज जॉइंट, और नंबर टू पे हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, अब हिंज जॉइंट हमारे पास वो जॉइंट है सिर्फ जो के सिर्फ और सिर्फ उनकी मूवमेंट होती है इन द टू डायरेक्शन, ठीक है, मूव करते हैं ओनली इन टू डायरेक्शन, ठीक है, जबकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करते हैं तो ये मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन। सो हिंज जॉइंट्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टू डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसके अलावा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो है हमारे पास ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं। टू डायरेक्शन में मूव करने वाले हमारे पास हिंज जॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एल्बो की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर और नीचे क्या कर सकता है, मूव कर सकता है इन टू डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह जब हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की बात करते हैं, इसके तो हमारे पास शोल्डर है, शोल्डर हमारा ऑल डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स इन द सिनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। और हिंज जॉइंट जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हिंज जॉइंट्स में एल्बो एंड नी, हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में शोल्डर एंड हिप। सो ये था हमारे पास सिनोवियल जॉइंट, जिसके अंदर हिंज जॉइंट्स हैं और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। हिंज जॉइंट्स की सिर्फ टू डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, इसकी ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। इसकी एग्जांपल हमने एल्बो और नी से लिए कि हमारे पास ये एक तरफ से फिक्स्ड होती है, ठीक है, इसके अलावा से इनके इसी वजह से इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो पाई नहीं जाती, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती, जबकि इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है, ठीक है, क्योंकि क्या होती है, हर तरफ से फ्रीली मूवेबल होती है, ठीक है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद आपको लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह लेक्चर में मजीद जो टॉपिक्स हमारे उनको हम स्टडी करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।